हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम घर में बैठे हैं क्योंकि हमारे रायपुर में बारिश हो रही है। तो दोस्तों, आज हम सोच रहे हैं कहीं घूमने के लिए निकल जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं महादेव घाट घूमने के लिए। तो अभी हम निकल पड़े हैं घर से और दोस्तों, अब हम पहुँचने वाले हैं दीदी नगर। यहाँ पर चाय की दुकान पड़ती है, तो हम चलिए चाय पी लेते हैं। थोड़ा चाय का चस्का ले लीजिए, बारिश में मज़ा आ जाता है चाय पीने में। अभी दोस्तों, अब हम चाय पी चुके हैं, निकल रहे हैं महादेव घाट के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम महादेव घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारे पीछे में जो ब्रिज दिख रहा है, इसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं। ये यहाँ पे अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो इसका एंट्री अभी बंद है, तो इसमें अंदर हम तो जा नहीं सकते अभी। चलिए आपको बाहर से दिखा देते हैं दोस्तों। और इसके बगल में हटकेश्वरनाथ शिव मंदिर है दोस्तों। अभी तो हम नहीं गए हैं अंदर मंदिर में, नहीं अंदर से दिखाते हैं आपको, बाहर से आपको मंदिर दिखा दे रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ शाम के समय दोस्तों महादेव घाट आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम के समय जो रहता है दोस्तों, यहाँ का बहुत सुनहरा लगता है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है दोस्तों, नदी में बहुत पानी भरा हुआ है और बहाव भी बहुत तेज है। और अभी तो आज तो फिलहाल हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं। चलिए दोस्तों, हम चल रहे हैं अब घर की ओर। दोस्तों, यहाँ का मंदिर बोलते हैं बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन समय का मंदिर है और यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। तो आप जब भी आइए रायपुर, तो यहाँ पर घूमने ज़रूर आइए। रायपुर के पर्यटक स्थलों में से एक बहुत अच्छा स्थल है दोस्तों। जब भी आप आना रायपुर में, यहाँ ज़रूर घूम के जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ घूम कर। जय महाकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।